इस लेक्चर में हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी न्यूज़ में थे, क्यों थे? क्योंकि इनका अभी स्टैचू है जो लगाया गया पंडित पंत मार्ग पे लगाया गया न्यू दिल्ली में। क्यों लगाया गया? क्योंकि इनका पहले स्टैचू रायसीना रोड सर्कल में था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उनके उसके पास, वहाँ पर इनका स्टैचू था, वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन पंडित पंत मार्ग पर न्यू दिल्ली में इसका स्टैचू लगाया गया, नया स्टैचू इनका, पंडित बल्लभ पंत जी का इनका स्टैचू लगाया गया, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। तो इनके बारे में पढ़ते हैं ब्रीफ हिस्ट्री। ये जी अपने पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनका ये फ़ोटो है जी, ये देख लीजिए आप, ये फ़ोटो है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, इनकी अर्ली लाइफ क्या रही। जो पंत जी हैं, इनका जन्म होता है 10 सितंबर 1887 को, कहाँ पे? उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में इनका जन्म होता है। और 18 साल के थे जब ये, इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड सर्विंग द वॉलंटियर एट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके सेशन में वॉलंटियरली अपनी मर्जी से इन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया, सेवा देनी शुरू कर दी। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे और मदन मोहन मालवीय, इनको ये अपना एक एज ए आइडियल मानते थे, अपना मतलब रोल मॉडल, जैसे आप किसी हीरो वगैरह को मानते हो ना रोल मॉडल, ऐसे ये आइडियल मानते थे इन दोनों को। और 1907 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि ये लॉ पढ़ेंगे, टू स्टडी लॉ। और लॉ की डिग्री लेने के बाद इन्होंने 1910 में अल्मोड़ा में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी लॉ की, वकील की। और फिर ये काशीपुर चले गए। काशीपुर में इन्होंने क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया, स्थापित की, जिसका नाम था प्रेम सभा। प्रेम सभा जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने क्या काम किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ स्कूल्स थे जो उनको टैक्स देना बंद कर दिया था, वो स्कूल बंद होने की कगार पे थे, तो उनको उन स्कूलों को बंद होने से बचाया। ही ऑल्सो सेव्ड ए स्कूल फ्रॉम शटिंग डाउन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जाता था, तो क्या था, ये स्कूलों को बंद कर देते थे, तो स्कूल को बंद होने से बचाया इन्होंने। और इनका कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या था, नेशनल मूवमेंट में था जी, जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे, इन्होंने क्या है कांग्रेस को ज्वाइन किया 1921 में, 1921 में। और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था गांधी जी का, उसमें पार्टिसिपेट किया। गांधी जी का एक साल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में, इनमें भी इसने मतलब इस जो ये था साल्ट सत्याग्रह, इन्होंने इनमें भी इसमें भी पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। और क्या है, जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश की को पहले बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, अंग्रेज़ों के ज़माने में, इंडिपेंडेंस से पहले यूनाइटेड प्रोविंस। तो उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें इलेक्ट होकर आए ये, इनका मतलब इलेक्शन में खड़े हुए स्वराजिस्ट पार्टी से, नैनीताल से जीते ये और उसके मेंबर बन गए लेजिस्लेटिव असेंबली के। उसके बाद क्या होता है जी, जब ये गवर्नमेंट में थे इन्होंने रिफॉर्म किए, काफ़ी सारे रिफॉर्म में हेल्प किया, जैसे जमींदारी सिस्टम को हटाने में इन्होंने हेल्प की कि जमींदारी सिस्टम को हटाया जाए। जमींदारी सिस्टम क्या है कि जो क्रॉप के लिए, फसल के लिए, भूमि के लिए, लैंड के लिए जो जमींदार थे किसानों से रेवेन्यू लेते थे, मतलब एक तरह से टैक्स लेते थे, तो इनको हटाने में, इस सिस्टम को हटाने में इन्होंने हेल्प की। दूसरा क्या जी, इन्होंने क्या है गवर्नमेंट को से रिक्वेस्ट की कि जो एग्रीकल्चर टैक्स होते हैं फार्मर पे, जितने भी खेती के टैक्स होते हैं उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, लोअर किया जाए। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, मतलब छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, उनको क्या है इनक्रेज किया, बढ़ावा दिया, कंट्री में सेटअप हो कॉटेज इंडस्ट्रीज। और जो कुली बैगर एक्ट था उसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया, इनको विरोध किया इसका, कुली बैगर एक्ट का। कुली बैगर एक्ट या लॉ क्या था, ये कुली बैगर लॉ था जी, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कानून था कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी रेलवे स्टेशन या किसी पोर्ट पर सामान आता था तो जो भी उसे उस सामान को उतरवाते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, पोर्टर होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उनको विदाउट पेमेंट काम करना पड़ता था, कोई पेमेंट नहीं देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें, कोई पैसे नहीं, बिना पैसे के काम कराती थी। तो इस जो कुली बैगर लॉ के अंतर्गत, तो इस कुली बैगर लॉ को विरोध किया जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और क्या काम किया इन्होंने, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिली थी ना माइनॉरिटीज़ को, जैसे मुस्लिम को सेपरेट कॉपरेट दी गई थी, उसके भी अगेंस्ट में थे, विरोध किया था इन्होंने। उन्होंने कहा था ये हमारी कम्युनिटीज़ को डिवाइड करती है, हमारे देश को डिवाइड बंटवारा करती है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, इन्होंने ऐसा भी विरोध किया। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो गोविंद पंत जी थे उन्होंने क्या है, एक जो गांधी जी फैक्शन हो गया था, मतलब एक ग्रुप गांधी जी के साथ हो गया था और एक ग्रुप हो गया था सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, तो इन दोनों ग्रुप में आपस में कॉन्सिलिएट कराए इन्होंने, मतलब एक मेल मिलाप दोनों में, मतलब मधुर संबंध बने रहे, तो ये काम किया इन्होंने। नेक्स्ट काम क्या किया जी, 1942 में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 1945 में फिर छोड़ा गया। और इन्हें अहमदनगर फोर्ट था उसमें 3 साल तक रखा, 3 साल तक अरेस्ट करके 1942 में।
जब ये अरेस्ट थे तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इनका केस लड़ा। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की उनको छोड़ा जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलिंग हेल्थ, मतलब उनकी क्या है, पंत जी की हेल्थ बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य ख़राब है, उनको रिलीज़ किया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका केस लड़ा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, मतलब आज़ादी के बाद इनके क्या योगदान रहे। आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस गोविंद बल्लभ पंत जी ने चीफ मिनिस्टर बने, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। और इन्होंने क्या है, फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, मतलब फार्मर की कंडीशन को बढ़ाया जा सके, अच्छी की जा सके, उनके लिए काम किया। और इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी छुआछूत को इरेडिकेट रिमूव हटाने के लिए इन्होंने काम किया। आफ्टर द डेथ ऑफ सरदार पटेल, जब सरदार पटेल जी की डेथ हो जाती है ना जी, जब गोविंद वल्लभ पंत क्या है यूनियन होम मिनिस्टर बन गए, हमारे देश के गृह मंत्री बन जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, और इन्हें 1957 में भारत रत्न का अवार्ड भी दिया जाता है, जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब सबसे बड़ा देश का अवार्ड क्या है, पुरस्कार भारत रत्न इनको मिल चुका है। और जब ये होम मिनिस्टर रहे थे तो इन्होंने हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए भी, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी इन्होंने क्या है इनक्रेज किया था। बस इनके बारे में इतना ही था इस लेक्चर में। तो इस अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे जी किसी और टॉपिक में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार।